हेलो गाइस, माय नेम इज शादाब। मैं हूं अभी भोपाल में अज्जू भाई के साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, खैरियत से अज्जू भाई? जी शादाब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अज्जू भाई अभी माशाल्लाह एक बहुत ही शानदार लॉट लेके आए हो तोता परी का। जी जी, मेरे ख्याल से अभी तक जितने बकरे लेके आ रहे हैं जो तोता परी के, इतनी क्वान्टिटी में और इतनी क्वालिटी में अभी पहली बार माल आ रहा है। हाँ जी शादाब भाई, पहली मरतबा अल्लाह ने इतना अच्छा माल दिलवाया और एक साथ इतने जानवर। हाँ, इतने नायाब जानवर। नहीं तो एक दो तीन तो निकल के आते हैं, लेकिन इस वीडियो में सभी नायाब बच्चे हैं। हाँ सारे। कौन सी मंडी अटेंड की थी अभी ये शादाब भाई? अपने टोक मंडी, ओ सॉरी अपना जयपुर के पास में है बालाहाड़ी मंडी। हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह वहीं से लेके आए माल। कितने नग लिया है अभी? ये 20 से 22 जानवर लाए हैं शादाब भाई। माशाल्लाह, तो अपन फटाफट अब जानवर दिखाना शुरू करते हैं पब्लिक को। इसी बच्चे से स्टार्ट करते हैं अज्जू भाई। जी शादाब भाई, बहुत शानदार कलर पैटर्न के अंदर ये बच्चा है जी। क्या डिटेल होगी इसी? अभी ये शादाब भाई अपना 4 से 5 महीने का बच्चा रहेगा। 4-5 महीने उम्र है। हाँ, 32 से 35 किलो बॉडी वेट आएगा शादाब भाई इसका। और अभी दांत करने में कितना वक्त लेगा ये? अभी 6 से 7 महीने लेगा शादाब भाई। अभी 6-7 महीने ले लेगा जी। और ये थोड़ा बड़े साइज का संभला हुआ बच्चा? हाँ हाँ हाँ, संभला हुआ और एक्टिव बच्चा है शादाब। माशाल्लाह, कितने का है अज्जू भाई ये? ये प्राइस तो शादाब भाई पर्सनल में ही रहेंगे। सारे बच्चों का पर्सनल? जी जी जी, किसी का बता दोगे? शादाब भाई सारे बच्चों का पर्सनल में बदलाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे हैं सब डबल हड्डी के बच्चे हैं और सब डबल पंजे बच्चे हैं। लटक झालर मतलब किसी चीज की कमी नहीं। अब ये देखो ना, आप कितना लूज बच्चा पड़ा हुआ है ये भाई। बिल्कुल रबड़ की तरह है, मतलब ये फुल दूध पी हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं। बहुत बढ़िया। और ये माल शादाब भाई आपको भी पता है कि अपन को ही महंगा मिलता है मंडी से। सही बात है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अज्जू भाई। एक बच्चा ये भी बहुत अच्छे कलर में, थोड़ा सा डार्क है कलर इसका। जी शादाब भाई, लेकिन लटक मटक इसकी भी बहुत भारी है। बहुत माशाल्लाह। और चेहरे में पंच भी अच्छा लेके आया है। सारे बच्चे डबल पंच में और कानों की लेंथ आप देखो ना बच्चों की, माशाल्लाह बहुत शानदार है। और बहुत अच्छी जोड़ है ये शादाब भाई, एक ये और एक इसका भाई भी है। ठीक है, इसका भाई। और ये 3-3 महीने के रहेंगे शादाब भाई। 3-3 महीने इसकी उम्र है जी। 30-32 किलो बॉडी वेट आएगा बच्चों में, माशाल्लाह बहुत डबल हड्डी में बच्चे हैं। ठीक है भाई, माशाल्लाह बहुत शानदार क्वालिटी का बच्चा है ये। और चेहरे में जो पंच आना चाहिए तोता कलर पे आया है माशाल्लाह। हाँ, जो पंच आना चाहिए बच्चे जी, जी, जी। वो भरपूर लेके आ गया। हाँ, भरपूर। उसके बाद ये देखो ना आप, इनका जो माथा है थोबड़ा, इससे नस्ल पहचानी जाती है शादाब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़े थोबड़े के बच्चे बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है भाई, इसके बाद एक बच्चा ये है पीछे ये जो भाई, ये जो बच्चा है उम्र थोड़ी कम दिख रही है इसकी। हाँ शादाब भाई, ये अपना 2.5 महीने का बच्चा रहेगा। 2.5 महीने उम्र। हाँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत संभला हुआ बच्चा है शादाब भाई। इसका भी बॉडी वेट ये मान के चलिए आप 25 किलो करीब आएगा बॉडी वेट माशाल्लाह। और ऐसा लग रहा है कि हाल ही में इसने दूध पीना छोड़ा होगा। हाँ हाँ, अभी दूध के बकरी के नीचे ही था शादाब भाई ये। हाँ हाँ, लेकिन उन्होंने मान ही दी अपन को। अच्छा, तो ये अनाज वगैरह खाने लगा? हाँ सब खाने लगा माशाल्लाह, पत्ती दाना सब खाता है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बढ़िया है माशाल्लाह, बहुत शानदार है ये बच्चा अभी। इसके बाद ये एक बिल्कुल अलग कलर आया इन बकरों से। हाँ, डिफरेंट ही है बिल्कुल जी। बताएं इसके बारे में। हाँ, ये भी शादाब भाई अपना 4 महीने का बच्चा रहेगा ये। 4 महीने उम्र रहेगी। और वजन 30-32 किलो बॉडी वेट आएगा। ये भी डबल पंच में ही रहेगा माशाल्लाह। ये लटक देखो आप माशाल्लाह बच्चों की, अभी से बच्चों के अंदर लटक आना शुरू हो गई, चेहरे में पंच आ गया, मतलब कम्प्लीट ही दिख रहा है बच्चे। हाँ बच्चे। और ये भी बिल्कुल रबड़ की तरह ही रहेगा देखो। हाँ, बहुत लूज पड़े हुए हैं ये। कितनी चमड़ी। वजह ये भी हो सकती है कि बच्चों को दूध अच्छा मिला होगा। हाँ 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 शादाब भाई, और उसकी वजह से लटक और क्या बोलते हैं शाइन। इसकी देखो दुम, देखो आप बिल्कुल छल्ले वाली दुम आई हुई। इसी से नस्ल की पहचान की जाती है भाई, चेहरे का पंच, लटक और ये दुम झालर वाली बेशक। ठीक है भाई, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है बच्चा। एक बच्चा ये है, ये भी अपना छोटा दिख रहा है उम्र में अभी। हाँ, ये भी 2 से 2.5 महीने का बच्चा रहेगा शादाब भाई। 2-2.5 महीने उम्र होगी। हाँ, ये भी बच्चा बहुत अल्टीमेट बच्चा मिला है माशाल्लाह, क्वालिटी के अंदर है जी। ओके, वजन कितना होगा इसमें? इसका वजन आएगा 22 से 25 किलो शादाब भाई। 22 से 25 किलो वजन है इसका। और अभी चाहो तो दूध भी पिला सकते हैं इनको। हाँ हाँ, बोतल से दूध पी सकते हैं ये बच्चे, जला में सेट हो जाते हैं बच्चे, और उससे ग्रोथ और ज्यादा अच्छी होगी जी जी जी। माशाल्लाह, ठीक है अज्जू भाई, बेहतरीन चीज़ है ये भी। इसके बाद एक बच्चा ये, इसका पैर निकाल दो आप। ये शादाब भाई ये जोड़ी हैं, दो भाई मिले हैं। अच्छा, जोड़ के अंदर है, सगे भाई हैं? हाँ सगे भाई हैं। ये देखो आप खाने में माशाल्लाह, लेकिन ये थोड़ा अलग दिख रहा है कलर। जी 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 शादाब भाई, ना लाइट आ गया उसकी वजह से खूबसूरत दिख रहा है। हाँ हाँ शादाब भाई, ठीक है, डिटेल बता दो आप दोनों की। ये शादाब भाई अपना 32 से 35 किलो बॉडी वेट आएगा इनका। ठीक है, दोनों बच्चों का। हाँ, 3 से 3.5 महीने के बच्चे हैं दोनों। मतलब अज्जू भाई इनमें से कोई भी बच्चा जी ये साल तो दांत करने नहीं वाला। हाँ, ये शादाब भाई अगले साल के लिए हैं बच्चे। अगले साल लेकिन पालोगे तो फिर चीज ही बनेगी। हाँ, क्वालिटी उस हिसाब की क्वालिटी। ये इसके जो बाल हैं बिल्कुल बहुत अच्छे बाल निकल के आएंगे शादाब भाई, ये खाने में लगे हुए माशाल्लाह। हाँ, ये पहचान होती है बच्चों की।
और अभी से ही बचपन से ही दर्शा रहे हैं अपनी क्वालिटी भाई। ठीक है अज्जू भाई, और आगे बढ़ते हैं, ये बच्चे को भी खड़ा करके दिखा दो। ये भी माशाल्लाह अबलक कलर पे है सादब भाई। हाँ, ये भी बहुत अच्छा बच्चा। अच्छा है। ये जो अबलक कलर आता है चेहरे पे जी, इसकी वजह से और ब्यूटी बढ़ जाती जी, है, खूबसूरत दिखते हैं बच्चे जी। ये कितने महीने का होगा? ये 3 महीने का बच्चा रहेगा। इस साइड से और अच्छा बॉल बनी हुई है सादब भाई। और बॉडी वेट कितना आएगा इसका? आएगा 20 से 22 किलो सादब भाई। 20-22 किलो, मतलब एवरेज पकड़ के चले तो सारे जो बच्चे हैं 20 से 25 किलो के बीच में है। जी 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 सादब भाई। ठीक है भाई, माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है ये भी। और आगे बढ़ते हैं तो इसे भी खड़ा करके दिखाओ आप। बहुत शानदार क्वालिटी में बच्चा है ये जी सर। कानों की जो चकलान आई है लंबाई के साथ साथ, बिल्कुल खुला हुआ बड़ा कान लेके हाँ, आया। हाँ, हाँ, माशाल्लाह। और चेहरे में पंच भी लेके आया। हाँ, और ये सादब भाई सिक्के भी जो अपने जीरापुरी मालवा के चलते थे ना, हाँ, ये वो सिक्कों पे आएगा। सींग खड़े ही निकाल रहा है जी 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 सादब। माशाल्लाह, क्या डिटेल है इसकी? ये भी सादब भाई 3 से 3.5 महीने का आएगा। ओके, और 32 से 35 किलो बॉडी वेट आएगा इसका। 32-35 किलो बॉडी वेट है, माशाल्लाह। मतलब कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 25 से 30 आएगा, और कई बच्चे ऐसे हैं कि 30 से 35 किलो आएगा। जो जैसे ये दिख रहा है थोड़ा उन बकरों से भारी दिख रहा है। हाँ 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 सादब भाई। ठीक है, और कौन कौन से बचे हैं तोतापरी में? तोतापरी में एक सादब भाई, ये फीमेल है। फीमेल है? हाँ, ये तोतापरी है। हाँ, तोतापरी में है सादब भाई, अच्छी फीमेल है। और इसके नीचे एक मेल बच्चा है, ये देखिए आप। ये बच्चा इसी का ही है? हाँ सादब भाई, ये बहुत अच्छा बच्चा है। 1.5 महीने का लग रहा है जो? हाँ सादब भाई, 1 महीने के करीब का है। 1 महीने का? लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी से ये पत्ते पे मुंह मारने लगा माशाल्लाह। अच्छा, तो मतलब ये माँ से अलग भी कर दो तो? हाँ, सर्वाइव करेगा। अभी तो नहीं हो सकता। हाँ, अभी इसको 1 से 1.5 महीने और दूध पीना पड़ेगा सादब भाई। और बकरी कौन से ब्याह की होगी? ये अभी पहले ही ब्याह की है सादब भाई। माशाल्लाह, और एक ही बच्चा दिया है। हाँ, तो हाँ, हाँ, वो बच्चे की क्वालिटी भी अच्छी आ गई। जी जी सादब भाई, 2-3 बच्चों के अंदर क्या रहता है कि फिर वो दूध भरपूर नहीं मिल पाता। ठीक है, कितने की है? इसका भी प्राइस नहीं जाएगा? नहीं सादब भाई, इसका खोल देते हैं जो आप बोल रहे हैं। जी जी, बता दो। तो ये 21,000 रुपये की बिस ट्रांसपोर्ट बच्चे के साथ हो जाएगी। 21,000 रुपये बच्चे के साथ, और उसमें ट्रांसपोर्ट भी रहेगा जी। चलो, खाली बम्बई का, बाकी रत्नागिरी का क्या बढ़ जाता है सादब? हाँ, डबल ट्रांसपोर्ट जहाँ का रहेगा, सिंगल ट्रांसपोर्ट दोगे आप जी। चलिए बेहतर है। एक बच्चा ये भी आया भाई, ये भी बहुत माशाल्लाह बच्चा है, फुल दूध पिया हुआ बच्चा लग रहा है ये भी। ये तो माशाल्लाह बहुत ही भारी है, लेकिन बहुत अच्छा बच्चा है सादब भाई। कितना होगा वजन भाई? वजन में आएगा ये 22-24 किलो करीब आएगा माशाल्लाह। 22 से 24 किलो वजन आ जाएगा। और उम्र इसकी? उम्र में ये सादब भाई 2.5 महीने का बच्चा रहेगा। 2.5 महीने इसकी उम्र होगी, माशाल्लाह भाई। ये सिंगल ही है, माँ नहीं है इसके जी? साथ? जी सिंगल है सादब भाई। बहुत बढ़िया, ये भी बच्चा है अज्जू भाई, एक बच्चा अभी। हाँ सादब भाई, ये भी अलग कलर में आया है, ये भी बहुत अच्छा बच्चा मिला है। कान पैटर्न बहुत अच्छा, चेहरे का बच्चा है ये माशाल्लाह। बताएंगे क्या डिटेल है इसकी? हाँ सादब भाई, ये 3 महीने का बच्चा रहेगा, 25 से 28 किलो बॉडी वेट आएगा माशाल्लाह। और ये बच्चे अभी से ही अल्हम्दुलिल्लाह बलबलाना चालू कर दिए, तो ये सलबटे आ जाएंगे इनके चेहरों पे। हाँ, जो तैयारी की जो निशानी होती है चेहरे इनका आ जाते हैं, चेहरे पे, गर्दन पे जी। ठीक है भाई, माशाल्लाह इस बार माल जो है बच्चों का एक नंबर लेके आए। अगर डालना है बच्चे, जो भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर है, उनका कहना यही है कि अज्जू भाई आपसे अच्छा माल ही अभी कोई नहीं ला रहा। जी माशाल्लाह, बहुत बढ़िया माल। ये माल तो ऐसा है सादब भाई, जो भी अपने फार्म वगैरह करना है तो ये पट्टी की पट्टी लेने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर कोई बच्चे डालना चाहता है तो बिल्कुल सारे बकरे काम के। जी जी, और देखने में देखो आप माशाल्लाह, सारे बकरे खाने पीने वाले हैं, घास खा रहे हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इनको अच्छी डाइट देंगे जी जी, तो ये वैसे ही अपना कलर चेंज कर देंगे, बहुत ही स्पीड में आएंगे इंशाल्लाह। 6 महीने बाद तो शायद पहचान में ही नहीं आएंगे। हाँ 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 सादब, और भी बचे हैं बकरे भाई। हाँ, ये सादब भाई देखो आप माशाल्लाह, इसको भी, ये भी, ये भी 2 महीने का बच्चा है सादब भाई। देखो दुम, झालर, गला, पट्टी। हाँ, बहुत शानदार लेके आया बच्चा। चलने की मतलब बचपन में चलने की स्टाइल बता देती है सादब भाई, ये बच्चा कैसा जाएगा और कैसा तैयार होगा माशाल्लाह। क्या डिटेल है इसकी अज्जू भाई? सादब भाई, ये भी 2 से 2.5 महीने का बच्चा रहेगा, 18-20 किलो बॉडी वेट आएगा इसका माशाल्लाह। लेकिन कलर पैटर्न लटक आप देखो माशाल्लाह, बच्चे के अंदर पंच सारी चीजें माशाल्लाह। और अभी से गर्मी दिखा रहा है देखो आप जी। ठीक है भाई, एक बड़ा बकरा बचा है जी सादब भाई, ये कोटा का बच्चा है। ये भी देखिए आप बच्चा माशाल्लाह, ये भी बहुत छोटा है और लेकिन खूबसूरत चीज है जी सादब भाई। क्या ये पत्ते कान में है? कोटा कान में आवाया माशाल्लाह, तलवार वाले कान है इसके सादब भाई जी जी। और ये भी 1-1.25 महीने का बच्चा है सादब भाई, ये सिंगल ही है। अच्छा सिंगल? हाँ, माँ इसकी दी नहीं, खाली बहुत अच्छा लगा तो ये मैं। तो पालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इतने छोटे जो बच्चे? नहीं सादब भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह सब खा रहे हैं बच्चे।
सब खाने लगे। अभी अनाज और पत्ती खाने लगे तो उसकी वजह से वेट नहीं तोड़ेंगे। जी 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 इंशाल्लाह। और बाकी आपको वाइटल से दूध पिलाना पड़ेगा जो छोटे बच्चे हैं एक से डेढ़ महीने के। हाँ, कम से कम 3 महीने तक अगर उनको दूध मिल जाए तो ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब यही बच्चे आपके 30-35 किलो पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। सही बात है। अगर 35 किलो ये बच्चा वेट ले लेता है तो उसकी कीमत भी जितने में अभी मिलेगा डबल तो कम से कम हो ही जाएगी। जी 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 जी। वो पंच भी देखो ना आप साधव भाई, छोटे बच्चों के हिसाब से भी बहुत पंच ले आए। जैसे जैसे बड़े होंगे तो पंच भी जो है बढ़ता जाएगा इनका। जी साधव भाई, ठीक है भाई। इसके बाद ये बड़ा बकरा है अज्जू भाई। हाँ, ये साधव भाई अपना कोटा में है। जी कोटा में है और फ्रेश अभी दो दांत लगा ही रहा है बकरा अल्हम्दुलिल्लाह। दो दांत लगा रहा है। हाइट कितनी है इसकी? 37-38 की हाइट आएगी साधब भाई। 37-38 की हाइट। और वजन इसका? वजन 60-65 किलो वेट आएगा साधब भाई। सिक्के देखो आप माशाल्लाह, बहुत शानदार बड़े हथियार हैं कोटा के हिसाब से। जी, और कान भी अच्छे खासे लंबे ही हैं। जी जी। और ये भी बहुत एक्टिव है साधब भाई। हाँ हाँ हाँ, अभी तो शांति से खड़ा है लेकिन अगर मस्ती करेंगे तो आ जाएगा वो भी मूड में। साधब भाई कब लेके आया अज्जू भाई इसको? ये साधब भाई परसों ही माल आया है मेरा। अच्छा जी। और भी बच्चे बचे हैं अज्जू भाई? हाँ साधब भाई, एक जोड़ दिखाऊंगा मेवाती में है। ठीक है, मंगवाओ उनको भी आप। नागौरी, सॉरी, ये नागौरी के अंदर है। जी साधब, बिल्कुल कलर पैटर्न अलग लेके आए बच्चे। जी जी, माशाल्लाह क्या बात है। ये लटक देखो आप साधब भाई, दोनों चलने की स्टाइल देखो आप। जो नचनी ब्रीड होती है ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह उस ढप से चलते हैं साधब भाई। क्या बात है भाई, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है उन बकरों से। जी, क्योंकि चेहरा जो है पंच की जगह रोमन नोज लेके आए हैं। जी 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 जी, माशाल्लाह। क्या उम्र है दोनों बच्चों की? साधब भाई ये 2.5 महीने के हुए हैं अभी। 2.5 महीने इनकी उम्र है। जी जी जी। और 30-32 किलो बॉडी वेट आएगा एक में। सगे भाई हैं दोनों? हाँ 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 हाँ, सगे भाई हैं। तो अज्जू भाई इरादा क्या है दोनों? लेंथ देखो आप माशाल्लाह। हाँ साधब भाई, ये दोनों बच्चे एक साथ ही पलने के हैं। लेंथ भी, गले की लटक, माशाल्लाह बनावट जो है साधब भाई, इन्हें ना अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है माशाल्लाह। माशाल्लाह सही बात है। ये देखो आप, बहुत खूबसूरत चीज है। मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं साधब भाई। कितने टाइम से काम करना है, अब जाकर के ऐसी जोड़ मिली है साधब भाई। सही बात है। ये कलर पैटर्न, हाँ, और ये खाने वाली, मतलब ये बच्चों में देखो आप, मतलब भग भग के खा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है माशाल्लाह। अज्जू भाई थोड़ा वो साइड जाके इधर की तरफ भगा उनको। चलो चल माशाल्लाह। ठीक है अज्जू भाई, अभी और भी बचे हैं जानवर? साधब भाई एक और फीमेल पर दिखाऊंगा मैं आपको, दो दांत पे। यही है? जी, ये दो दांत पे फीमेल है। इसके नीचे बच्चा नहीं है कोई? नहीं साधब भाई, ये अभी 2 महीने की लोडेड है। अच्छा, हाँ अच्छी फीमेल है और पहली बार जनेगी साधब भाई। पहली बार जनेगी। चेहरा भी अज्जू भाई बहुत शानदार लेके आया। हाँ, ये डबल पंच पे चेहरा आया है साधब भाई। हाँ। और सिक्के भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके खड़े आए। और तोता परी के हिसाब से देख रहा हूँ चेहरा बड़ा भी है इसका। जी जी, अभी तो और बड़ा करेगी। अच्छा, हाँ अभी तो ये बच्चों का चेहरा है साधब भाई। तो 2 महीने की लोडेड आपको धनी ने बोल के दी? जी जी जी, कन्फर्म रहेगी साधब भाई, क्योंकि खीरी बना ली है। अच्छा, खीरी बना ली है। जी जी जी। तो मतलब ये 2.5-3 महीना और लेगी बच्चा देने में? जी साधब भाई। और अभी नई उम्र की फीमेल है, दुम झालर माशाल्लाह हर कितनी फीमेल मिली है अभी। सही सही बात है, और लंबे टाइम तक इससे ब्रीडिंग मिल जाएगी। जी 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 जी। ठीक है अज्जू भाई, अभी माशाल्लाह अपन ने सारा ही लॉट देख लिया, और प्राइस जो है वो आप पर्सनल में बताओगे? जी जी। तो उसके लिए आसानी ऐसी होगी कि जिस भाई को भी जो जानवर पसंद है तो सीधा स्क्रीन शॉट निकाले। जी जी। और आपको व्हाट्सएप कर दे तो ईजी रहेगा, आप भी पहचान लोगे कौन से बकरे का प्राइस पूछ रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो सीधा कॉन्टेक्ट करेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।